सभी दोस्तों को नमस्कार भाई। आज की विजिट है भक्ति धारा गो सेवा धाम, जो कि मायना गांव के अंदर है। ये सामने आप देख पा रहे हैं ओमेक्स सिटी। ये उस साइड झज्जर चुंगी की साइड है और ये बिल्कुल मायना गांव की साइड है। मायना गांव में है जो गो सेवा धाम ओमेक्स सिटी के सामने। आइए चलते हैं और मिलते हैं महाराज जी से, क्या व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए भाई, यही वो दो बुल हैं जो कि पहले वाली वीडियो पर काफी कमेंट्स आ रहे थे कि जो दो बुल हैं इनको भी दिखाया जाए और इनकी पैटेगरी के बारे में बताया जाए। सभी भाइयों को मैं बता दूं कि इनकी पैटेगरी का हमें कुछ नहीं पता। अभी मैं महाराज जी से आपको मिलवाऊंगा तो वही आपको बताएंगे कि ये बुल कौन से गांव से आए गए थे और इनको क्या चोट लगी थी। आइए महाराज जी, एक बार यहाँ पे आइए। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, पिछली वीडियो पर काफी कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि ये जो दो बुल हैं इनके बारे में पूरी डिटेल से बताएं, तो एक बार आप इस बुल के बारे में बताएं कि ये बुल कहाँ से आया था। बुल अपने पास मायना गांव से आया था। हाँ जी, मास्टर जी थे वो लेके आए थे, उन्होंने फोन आया था। कैसे एक बुल काफी, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। अच्छा जी, तो मास्टर जी का फोन आया था कैसे मायना गांव में है जी। हाँ जी, और आप नजदीक हो यहाँ पे, तो उसको तो हम लेकर आए थे। अब ये बुल बिल्कुल स्वस्थ है, तो मेरी तैयारी में या तो इसको मायना गांव में ही उसी प्रकार छोड़ दें या किसी अच्छी गौशाला में इसकी व्यवस्था करें। हाँ जी हाँ जी, अच्छी पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। वैसे इसकी मदर लाइन फादर लाइन तो फिर आपको तो पता ही नहीं, गांव वालों को तो बेशक से पता हो इसके बारे में। अच्छा जी, और ये दूसरे वाला बुल महाराज जी, ये अपने पास आया था मंडी के पास से। मंडी के पास रोहतक। रोहतक से? हाँ जी हाँ। तो अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको कहाँ पे चोट थी जी? इसके अंदरूनी चोट थी जी काफी। अच्छा जी, दाने दाने हुए थे पूरे शरीर पर। अच्छा जी, शरीर पे एलर्जी टाइप था। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग में तो हमने एक मैच को बिल्कुल सबसे अलग रखा बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, और फिर धीरे धीरे उसको समस्या ठीक हो गई, तो बिल्कुल ठीक है, कोई उसके शरीर पे दाना नहीं है अब बिल्कुल ठीक है। ताकि दूसरे पशुओं को ना लगे इसलिए आपने ये अलग रखा होगा। अच्छा जी, तो काफी भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि दोनों बुलों को दिखाया जाए। ये दोनों बुल वही बुल हैं, और अभी महाराज जी से हमने जाना कि ये बुल कहाँ से आए थे और इनको क्या बीमारी थी। अभी ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अब इनको या तो गौशाला में या जहाँ से लेके आया गया था वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। और अभी हम महाराज जी से जानेंगे जो इनका मेन ब्रीडिंग बुल जो तैयार कर रहे हैं उसके बारे में। ये वो जो ब्रीडिंग बुल हमने आपको बताया था जो महाराज जी तैयार कर रहे हैं, ये देखिए प्योर हरियाणा नस्ल में है ये बुल। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे गोलू अहलावत भाई का, जो कि खरकड़ा गांव से हैं। उन्होंने हमें बताया था कि दलशेर अहलावत जी श्री गंगानगर गांव मैम से हैं, उनके पास है, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। और अभी तो सर्विस नहीं दे रहा होगा महाराज जी, तकरीबन 6 से 7 महीने आराम से लग जाएंगे इसको सर्विस देने में। बहुत अच्छा बुल है और इसकी माँ का रिकॉर्ड 14-15 किलो दूध का इसकी माँ का रिकॉर्ड है, जो कि हमने खुद देखी है इसकी माँ। अभी वो थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन में है अभी वो गाय, और बहुत ही अच्छी बहुत शांत गाय है। और फादर लाइन से उन्होंने बताया कि ये पंचायती बुल का बच्चा है, मदीना गांव से। बहुत अच्छा बच्चा है ये महाराज जी, अभी इसको तैयार कर रहे हैं जो नस्ल संवर्धन में अपना योगदान देगा। और अभी हम जो गौशाला में जो गायें हैं उसके बारे में बताएंगे, महाराज जी ही खुद अपने मुख से बताएंगे कि कौन सी गायें को इन्होंने AI करवाई है और कौन से बुल से करवाई है। यही है ना महाराज जी? जो एक ये है, एक खरकड़ा गांव से जो रुद्रनाथ बुल है, ये उससे हमने आगे के जो गोलू अहलावत जी का मैं बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। जो गोलू अहलावत भाई है उनके पास रुद्रनाथ बुल है। महाराज जी ने जब वो बुल देखा था तो बहुत ही प्रसन्न हुए थे कि इतना अच्छा बुल है। उस बुल का सीमन इसको लगवाया गया है। कितने दिन की होगी महाराज जी? ये लगभग 1.5 महीने की होगी। 30 अप्रैल को हमने इसको लगवाया था। अच्छा जी हाँ, दूसरे महीने में लगी हुई है। ये
वीडियो में मैं एक बात बताना भूल ही गया था आप लोगों को कि ये वो गायें हैं जो गोलू अहलावत जो रुद्रनाथ बुल से प्रेग्नेंट है। काफ़ी बार गोलू भाई वीडियो में ये कहते हैं कि जो मेरे बुल का नाम लेते हुए काफ़ी लोगों को शर्म आती है क्योंकि उनको रिजल्ट तो अच्छे लगते हैं रुद्रनाथ के बट वो नाम नहीं लेते भले मेरा, तो इसलिए मैं गोलू भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं भाई इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, जब इतना अच्छा बुल की आप सेवा कर रहे हो और इतना अच्छा गौ माता के संवर्धन पर आपने ध्यान दे रखा है तो हम तो आपका बार बार धन्यवाद करते हैं गोलू भाई साहब, जो आपने इतनी अच्छी सेवा का बेड़ा उठा रखा है, नहीं तो काफ़ी लोग कर भी नहीं पाते। महाराज के पास ये है क्या महाराज गाय यमुना इस गाय को कुमार रामा से मतलब रामुल सिरसा से सिरसा में उठा के इनकुल है मुबुल उसी के पास सिरसा डेरे मिल के रिकॉर्ड है इसका 15 से 100 है कही है गाय अच्छी गाय इसीलिए जी ने मुबुल का सिमला है जो कि बहुत अच्छा है। ये देखिए ये गौशाला की दूसरी गाय है जो कि हरियाणा नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी गाय है। उसके बाद ये देखिए ये गाय भी बहुत अच्छी है, प्योर हरियाणा शुद्ध हरियाणा नस्ल में ये गाय है, बहुत अच्छी गाय है। ये देखिए आज की जो सेवा है बहुत ही अच्छी सेवा है, इतनी कड़क गर्मी को देखते हुए अभी महाराज जी ने हमें बताया कि ये जो दो पंखे हैं ये कोई मैडम और सर आज दिन में आए थे उन्होंने भेजे हैं। नाम बताने से महाराज जी मना किया गया? अच्छा जी नाम बताने से उन्होंने मना किया है तो इसलिए हम उनका नाम नहीं बता सकते। गौ माता उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति दे, जो कि इतनी गर्मी को देखते उन्होंने ये पंखे यहाँ पर लगेंगे ताकि जो महाराज जी यहाँ पे तो जैसे अपने पास सेवा के लिए और गायें आ जाए तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था हो जाती है। हाँ जी हाँ जी प्रारंभिक उपचार हम उसका यहीं करते हैं। अच्छा जी फर्स्ट यहीं पे होता है तब वो थोड़ी सी चलने लायक हो जाती है तब उसको यहाँ पे ओके ओके। तो यहाँ पे जैसे जो गायें एक्सीडेंट या किसी भी कारणवश आती है उपचार के लिए तो उसका फर्स्ट उपचार यहीं पे होता है तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी पंखा नहीं था। तो ऐसे ऐसे गो भगत होंगे और गो सेवक होंगे तभी इस समाज का उद्धार हो सकता है और सभी गौशाला में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो कि तन मन धन जैसा भी हो सके उसी प्रकार सहयोग करें, कोई तन से करे कोई मन से करे कोई धन से करे तो इसी प्रकार अपने आसपास की गौशाला में जाएं और देखें वहाँ पर किस चीज़ की व्यवस्था की कमी है वही व्यवस्था आप करने की कोशिश करें। ये देखें बहुत ही अच्छा नज़ारा, जो हरियाणा नस्ल की एक गायें दूसरी गायें के थनों में मुंह लगाए हुए है शायद दूध पीने की कोशिश कर रही है, काफ़ी देर से हम देख रहे थे तो मैंने सोचा सभी भाइयों को दर्शन करवा देता हूँ। ये है गौ माता, वही देखिए कितनी शांत गौ माता है, वो दूसरे वाली भी जो उसको कुछ नहीं कह रही, इसीलिए हिंदू धर्म में इसे माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि आप गौ ब्राह्मण और साधु की सेवा अवश्य करें, इनकी सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसा हिंदू धर्म में बताया गया है। गौ माता की सेवा अवश्य करें, जय गौ माता की।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।